नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बनवाल आपके चैनल बनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में एक बार फिर से नए वीडियो के साथ, नई जानकारियों के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो है मलेरिया, कोरोना की तो वर्तमान में स्थिति खराब है ही, लेकिन मलेरिया के लिए जो है, या मलेरिया के जो देश जो होते हैं, या जो देश मलेरिया से गुजरते हैं, या जिन लोगों को मलेरिया से बीमारी होती है या मलेरिया पकड़ते हैं, उनको किस तरह से समस्याएं होती है और उसका किस तरह से इलाज देश भर में नहीं है। और एकमात्र इलाज जो है कुछ हद तक देखा जाए तो क्यूनाइन है, लेकिन एक नया वैक्सीन जो है बनकर उभरा है, वो है मैट्रिक्स एम, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े जेनर इंस्टीट्यूट ने जो है तैयार किया है। तो क्या है इस वीडियो में और जानकारी में शेयर करने जा रहा हूं, तो तमाम तरह की बातें मैं आपके साथ करने वाला हूं। तो वीडियो को जो है अंत तक देखिए और बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो का खास जानकारी। तो मैं बता दूं, आज ऐसे तो 25 तारीख है, यानी विश्व मलेरिया दिवस है, तो इसी को देखते हुए जो है मैंने ये रिपोर्ट और ये जानकारियाँ इकट्ठी करके जो है आपके साथ शेयर करने की ज़रूरत समझी। तो मैं बता दूं कि जेनरल इंस्टीट्यूट ने जो है एमेट्रिक्स एम नामक, या इसको R21 भी कहा गया है, नामक एक ऐसा वैक्सीन विकसित किया है जो कि लगभग 80% जो है कारगर है मलेरिया को ख़त्म करने में। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं देखा गया है अभी तक, जितनी भी लगभग ये फेज 2 में तक ये जो है सफल रहा है, फेज 1 फेज 2। तो आने वाले समय में जो है ये एकमात्र वैक्सीन बन सकता है दुनिया के लिए। ऐसे तो बहुत सारे जो है दूसरे टीके के बदले इसका इलाज होता है, जैसे कोरोना का भी दूसरे टीके, रेमडेसिविर, इसका टीका तो है नहीं लेकिन फिर भी लोग इलाज कर रहे हैं। तो मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े जेनरल इंस्टीट्यूट की बनाई वैक्सीन पूरी तरह से जो है खड़ी उतरी है। मलेरिया के खिलाफ जंग में एक नया टीका मैट्रिक्स एम जल्द ही जो है आने वाला है, जल्द ही जो है मलेरिया से बचाव की ये दिशा में बेहद कारगर साबित हो सकता है। तो ये बातें जो है मैं पर्सनली नहीं कर रहा हूँ, ये WHO तो इसकी मान्यता नहीं दी है, लेकिन WHO की जो मानक है, जो पैनल है, जो प्रोटोकॉल है, उस पर जो है ये पूरी तरह से खरा उतरा है। लेकिन जल्द ही ऐसा इंस्टीट्यूट का आशा है कि वो WHO भी जो है इसको मान्यता दे देगी। तो ये कंपनी का कहना है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े या फिर उसके पार्टनर कंपनी इंस्टीट्यूट जो है जेनर इंस्टीट्यूट ने ये तैयार किया है। और बता दूँ कि इसकी एक और उपलब्धि है कि जो ब्रिटिश स्वीडिश की जो कंपनी की जो कोरोना वैक्सीन है एस्ट्रोजेनेका, वो भी जो है इसी ने तैयार की थी। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ शेयर कर दूँ। तो देख सकते हो कि R21 मैट्रिक्स MM हैज़ बिकम द फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन इवर टू अचीव द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 75% एफिकेसी गोल आफ्टर बीइंग कंफर्म्ड बाय फेज 2B ट्रायल। द WHO एस्टिमेट्स दैट मलेरिया काउजेज अबाउट 4,000 डेथ्स वर्ल्ड वाइड ईच ईयर विथ 229 मिलियन केसेस ऑफ क्लिनिकल मलेरिया रिपोर्टेड इन 2019 अलोन। इन रिसेंट ईयर्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स मिटिगेटिंग मलेरिया मॉर्टेलिटी हैज स्टॉल्ड विथ मोर देन 100 वैक्सीन्स ओवर रिसेंट डिकेड्स बीइंग अनेबल टू सरपास द WHO 75% एफिकेसी टारगेट। तो मैंने बताया कि लेवल 2 तक ही जो है क्रॉस कर चुका है, और WHO के द्वारा बताया गया कि 4 लाख से अधिक लोग जो है दुनिया में जो है प्रत्येक साल मारे जाते हैं मलेरिया से, 229 मिलियन जो है क्लिनिकल मलेरिया रिपोर्ट आई सिर्फ 2019 में। तो किस प्रकार काम करता है मलेरिया का नया टीका, तो बता दूं मैं कि मैट्रिक्स एम की मदद से प्रतिभागियों ने इस मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ जो है 70% प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में कामयाब मिली है। जेनरल इंस्टीट्यूट के प्रमुख एंड्रियास हिल कहते हैं कि मैट्रिक्स एम मलेरिया से बचाव की दिशा में बेहद कारगर साबित हो सकता है। 2019 के अंत में बुर्किना फासो में 450 बच्चों को यह जो है टीका लगाया गया था। शोधकर्ताओं ने लगातार 1 साल तक बच्चों की सेहत पर करीब से जो है नज़र रखी। वे मलेरिया के कहर से तो सुरक्षित रहे ही हैं, उन्हें कोई साइड इफेक्ट का भी दुष्प्रभाव भी जो है नहीं उभरा यानी देखने को मिला। जेनरल इंस्टीट्यूट को उस COVID-19 के टीके के निर्माण का भी जो है श्रेय जाता है जिसका वितरण ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्रोजेनिक कर रही है। मैट्रिक्स एम दुनिया का पहला ऐसा मलेरिया रोधी टीका है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित लक्ष्य पर जो है खरा उतरता है। लेकिन अभी जो है WHO के द्वारा इसकी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन जो है जल्द ही आशा है और इस कंपनी को कि इसके ट्रायल के बाद जब लोग इसका इस्तेमाल करेंगे
या WHO इसको मान्यता देगी कि नहीं ट्रायल करना ज़रूरी है लोगों में, तो जल्द ही जो है इसकी मंजूरी मिल सकती है WHO के द्वारा, लेकिन वर्तमान समय में अभी तक से मिली नहीं है। लेकिन हाँ, वो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो भी निर्धारित लक्ष्य है उसको जो है पूरी तरह से 100% कंप्लीट करता है ये वैक्सीन। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी जो है इसको मंजूरी मिल जाएगी। तो चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आंकड़े आपको, डेटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, देश से जुड़ी हुई और दुनिया से जुड़ी हुई। तो आप देख सकते हो कि मरीजों की संख्या में जो है गिरावट देखने को मिली है भारत के मामले में। तो 2015 में लगभग आप देखोगे तो 11,69,261 मामले आए थे, 2016 में 10,87,000 के आसपास, उसी तरह से 2017 में 8,44,000, उसके बाद 4,29,000, उसका 3,34,000, उसके बाद 19,980 2020 में आए, यानी बहुत ही स्थिति सुधार में आई है। मौत के आंकड़ों की बात की जाए जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बताई गई है कि 2015 में 384 लोगों की मृत्यु हुई थी इस मलेरिया से, 2016 में 331, 2017 में 194, 2018 में 96, 2019 में 50 और 2020 में मात्र 2 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये देख सकते हैं कि भारत की ये आंकड़े हैं, वर्ल्ड वाइड पर भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आंकड़े ये इसके हैं। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो स्थिति भारत में बहुत ही अच्छी है कोरोना के मलेरिया के मामले में। लेकिन इसकी भी एक जो वैक्सीन होनी ज़रूरी थी, जो कि जनरल इंस्टीट्यूट ने जो है इसको विकसित कर लिया है, तो जल्द ही ये मार्केट में उपलब्ध भी होने वाली है। कोई भी बीमारी उत्पन्न हो लेकिन उसका वैक्सीन जो है निकलना ज़रूरी है, तभी जो है उसको तोड़ किया जा सकता है या उसे बचा जा सकता है, वरना संभव नहीं है। तो चलिए, कुछ और आंकड़े आपको बताने वाला हूँ कि लगभग 22 करोड़ से अधिक की आबादी जो है को अपने जद में लिया था मलेरिया ने 2017 में, लगभग 4,35,000 से ज़्यादा मौत दर्ज की गई इस मच्छर जनित बीमारी से उपरोक्त अवधि में। भारत में थम रहा है प्रकोप, तो 111 जिलों में मलेरिया का एक भी मामला जो है नहीं दर्ज हुआ है, यानी 600 कुछ समथिंग में। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लगभग 84.5% जो है कमी मलेरिया के मरीजों में देखी गई है भारत में, और लगभग 83.6% जो है घट गई मौतें, और 74% मरीज जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में मिलते हैं। 2030 तक जो है मलेरिया उन्मूलन का जो है लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े जो मैंने जो स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो जारी किए गए थे उसको मैंने जो है आपके सामने रखा। आई होप इससे आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिली होगी। इसे कोई भी सवाल आपको पूछा जाएगा तो आप आसानी से जवाब दे सकते हो। तो ये 2019 तक के ये आंकड़े हैं, 2020-2021 में जो है कुछ अलग ही आंकड़े देखने को मिले होंगे, यानी काफ़ी सुधार देखने को मिला होगा देश भर में। तो बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज जो है निकल कर आई है कोरोना के बीच में, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पार्टनर यूनिवर्सिटी जनरल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कि वैक्सीन तैयार की गई है, जो कि पूरी तरह से खरी उतरी है। तो चलिए, कुछ मलेरिया से जुड़ी हुई आपको कुछ बता दूं, जानकारी दे दूं कि मलेरिया में जो है ठंड लगकर तेज बुखार आना, सिर दर्द, बदन दर्द, उल्टी होना, पीलिया, खांसी आना, बेहोश होना, झटके लगना आदि सब जो है मलेरिया के लक्षण है। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जिसका टीका का जो है अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन क्विनाइन नाम का एक जो है बीमारी इंजेक्शन है या फिर टीका है जिससे जो है इलाज इसका किया जाता है। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक और घातक है। यह बीमारी एनाफिलीज माता मच्छर के काटने से होता है। यह बीमारी जो है खास करके वर्षा के दिनों में अपने लोगों को जो है अपनी चपेट में लेता है। और बता दूँ कि सबसे ज़्यादा जो है मलेरिया जो कि 4 प्रकार के होते हैं, पी वाइवैक्स, पी पालसीफेरम और पी ओवेल, और लास्ट जो है पी मलेरी। पी वाइवैक्स तथा पी पालसीफेरम जो है ये दोनों प्रकार के मलेरिया मरीजों को जो है अपनी अधिक मात्रा में जो है चपेट लेता है। इन्हीं दोनों से जो है ज्यादा लोग जो है ग्रसित पाए जाते हैं देश में। कौन कौन सा? पी वाइवैक्स तथा पी पालसीफेरम, ये दोनों ज्यादा ही जो है तेजी से फैलते हैं देश में और लोगों को जो है अपनी चपेट में लेते हैं। तो ज़्यादा खास करके वर्षा के दिनों में, तो वर्षा में जो है पानी ना जमने दे, खाना को पानी को ढक कर रखे ताकि जो है इस तरह का मच्छर पनपे नहीं, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दे, तभी जो है मलेरिया से बचा जा सकता है, भारत को मलेरिया मुक्त घोषित किया जा सकता है।
तो एक रिपोर्ट में बताया गया कि झारखंड, उड़ीसा, बिहार में जो है ज़्यादा मलेरिया के जो है लक्षण देखने को मिलते हैं, या लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो हम सभी को जो है, मैं भी झारखंड से हूँ, तो हम सभी को जो है एक आशय प्रण लेनी चाहिए कि हमको मलेरिया मुक्त राज्य अपना घोषित करना है, और एक अच्छी जो है जानकारी लोगों के साथ शेयर करनी है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप इससे बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।